पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर लगातार फैसले बदलते जा रहे हैं। कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी मुरादाबाद लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार नासिर कुरैशी का टिकट काट कर पूर्व मेयर डॉक्टर एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर एसटी हसन का नाम पहले से ही चर्चा पर था, लेकिन गुटबाजी के चलते गुरुवार को मीट कारोबारी नासिर कुरैशी को टिकट की घोषणा कर दी गई, जिस पर सपा के सभी स्थानीय विधायक नाराज हो गए और पार्टी नेतृत्व से टिकट बदलने की बात कही गई। यही नहीं, डॉक्टर एसटी हसन के समर्थकों ने भी टिकट न काटने पर पार्टी से इस्तीफे देने के साथ ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद शुक्रवार शाम एसटी हसन को लखनऊ बुलाया गया, जिसमें टिकट को लेकर दोनों नेताओं से चर्चा हुई, जिस पर नासिर कुरैशी ने टिकट वापस करने की बात स्वीकार की है। लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन को सपा का उम्मीदवार समझा जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट पार्टी के भीतर जारी गुटबाजी के चलते कट गया। इसके पीछे पूर्व मंत्री कमाल अख्तर का नाम आया, लेकिन पार्टी ने जैसे ही गुरुवार को मीट कारोबारी और करीब डेढ़ साल पहले बसपा छोड़कर आए नासिर कुरैशी के टिकट की घोषणा की, वैसे ही पार्टी नेता भी सख्ते में आ गए। पार्टी नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व से इसको लेकर नाराजगी जाहिर की, वहीं खुद एसटी हसन ने निर्दलीय लड़ने की बात कही थी, जिसके बाद उन्हें शुक्रवार को लखनऊ बुलाया गया था। फिलहाल डॉक्टर एसटी हसन के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। डॉक्टर एसटी हसन का नाम आते ही और टिकट मिलते ही सभी के द्वारा खुशी का इजहार किया गया और जोरदार खुशी का इजहार करते हुए ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरके। माननीय डॉक्टर एसटी हसन साहब पूर्व मेयर एवं पूर्व प्रत्याशी और आज अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे नेता डॉक्टर एसटी हसन साहब का टिकट डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ की जनता ने जो उत्साह दिखाया है उससे उनकी जीत भी निश्चित है। इंशाल्लाह ताला बहुत वोटों से डॉक्टर एसटी हसन साहब और समाजवादी पार्टी की जीत होगी। दिया गया था, क्या उससे कार्यकर्ता खुश नहीं थे? नहीं, कार्यकर्ता जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला होता है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को मंजूर होता है। जो भी फैसला अगले जी का है वो हमें मंजूर है। उन्होंने नासिर कुरैशी को टिकट दिया था वो भी हमें मंजूर था, लेकिन कुछ लोगों ने गुमराह कर पार्टी हाईकमान को गुमराह कर दिया था और किस कारण पता नहीं वो टिकट हो गया था। वो भी हमारी पार्टी के नासिर कुरैशी नेता हैं, उन्होंने आज भी व्हाट्सएप पर अपनी बाइक डाली है और मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा जिसको डॉक्टर एसटी हसन साहब को टिकट हुआ है मैं भी चुनाव लड़ाऊंगा और अब टिकट डॉक्टर एसटी हसन साहब का है। इंशाल्लाह उनको सिंपल लखनऊ में मिल चुका है, वो लगभग एक घंटे में वहाँ से चलेंगे और मुरादाबाद पहुँचेंगे। क्या उम्मीदें रहेंगी एसटी हसन साहब से? वो हमारे साथ जी 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 और आज डॉक्टर एसटी हसन साहब का टिकट होने के बाद उनकी जीत निश्चित है। तमाम समाजवादी पार्टी के पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर उत्सव मनाया जा रहा है। डॉक्टर एसटी हसन साहब तो पहले भी बहुत गरीब आ रहे थे, 4 लाख वोट लेके जो भारतीय जनता पार्टी की सुनामी थी, आज भारतीय जनता पार्टी के तो बुरे दिन है, तो इसके बाद डॉक्टर एसटी हसन की जीत लाखों में होगी।